भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की जा रही बयानबाजी मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और हिमाचल की संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध है। शिमला से जारी एक बयान में महेंद्र धर्माणी ने बताया कि विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे नेताओं के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में 20,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ा है और प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट झलकता है कि वो प्रदेश में अपनी सरकार और पार्टी की स्थिति के कारण हताश और निराश हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के व्यवहार का जवाब आने वाले चुनाव में अपने वोट के माध्यम से देगी।